प्रदेश के विदिशा जिले से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक किसान ने रिश्वत के बदले अधिकारी को अपनी भैंस दे दी। दरअसल सिरोंज तहसील के ग्राम पथरिया निवासी भूपत सिंह रघुवंशी अपनी जमीन बंटवारे को लेकर विगत 7 माह से तहसील कार्यालय के चक्कर काट रहा था। पीड़ित किसान का कहना है कि परिवार की जमीन बंटवारे मामले में नायब तहसीलदार साहब द्वारा उससे 25,000 रुपए की रिश्वत की मांग की गई। पहले तो किसान ने तहसीलदार साहब से गुहार लगाई, जब नायब तहसीलदार साहब नहीं माने तो परेशान किसान अपनी भैंस लेकर तहसील कार्यालय पहुंचा और रिश्वत के तौर पर नायब तहसीलदार की कार से अपनी भैंस बांध दी। देखिए पहले हमारी यह खास रिपोर्ट। किसान की इस हरकत के बाद तहसील कार्यालय में हड़कंप मच गया। देखते ही देखते तहसील कार्यालय पर भीड़ का जमावड़ा लग गया। जानकारी लगते ही मौके पर वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे। परेशान किसान ने मुख्यमंत्री के नाम SDM को ज्ञापन सौंपा और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्यवाही की मांग की। अब सवाल यह उठता है कि एक ओर तो प्रदेश में अति वर्षा की मार के चलते फसलें चौपट हो जाने से किसान पहले से ही परेशान है, ऐसे में कमलनाथ सरकार के भ्रष्ट अधिकारी किसानों से रिश्वत की मांग कर किसानों के जले पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं। वैसे भी शिवराज सरकार में मध्य प्रदेश किसानों की आत्महत्या मामले में नंबर 1 रहा था। क्या अब कमलनाथ सरकार में यह आंकड़े कम होंगे और किसानों की परेशानियां कम होगी, यह देखने वाली बात होगी। पथरिया के किसान है भूपत रघुवंशी, उनका बंटवारे का प्रकरण पिछले 9 माह से यहाँ पे चल रहा है और पिता पुत्र का बंटवारा यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे पदस्थ नायब तहसीलदार सिद्धांत सिंह सिंगला द्वारा उनको परेशान किया जा रहा है, उनसे 25,000 रुपए की मांग की जा रही है। आज उस गरीब किसान ने परेशान होकर अपनी भैंस को सिद्धांत सिंगला जी की गाड़ी से बांध दिया है। उनका ये कहना है कि वो मेरी भैंस को रख लें जो कि 25-30 हज़ार की बिक जाएगी, लेकिन मेरा बंटवारा कर दें, क्योंकि उसके पिता की उम्र काफ़ी हो चुकी है और वो ये चाहता है कि उनके जीवित रहते वो बंटवारा हो जाए ताकि उसको किसानी के कामों में परेशानी ना आए। और यदि इनके द्वारा ऐसे ही किसानों को परेशान किया गया सिद्धांत सिंगला द्वारा, तो चूँकि हमारे मुख्यमंत्री कमलनाथ जी की मंशा है कि लोगों को शीघ्र न्याय मिले, तत्काल न्याय मिले, और ऐसे भ्रष्ट अधिकारी अगर ऐसा काम करने में अड़ंगा बनेंगे तो हम यहाँ पे भूख हड़ताल करेंगे और ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को यहाँ काम नहीं करने देंगे। क्या इनके ऊपर पूर्व में भी आरोप लग चुके हैं? क्या इनके ऊपर पूर्व में कई आरोप लग चुके हैं? कई किसानों से इन्हें दुर्व्यवहार किया है, कई किसानों से इन्हें रिश्वत की मांग की है और अब हम इनके खिलाफ यहाँ पर आंदोलन करेंगे और उनको यहाँ से हटाया जाएगा। क्या नाम है आपका? भूपत रघुवंशी। क्या हो गया? पिता पुत्र का बंटवारा है हमारा। हाँ, पिछले 7 महीने से हम यहाँ बार बार आ रहे हैं, केस चल रहा है, तारीखों की तारीखें बढ़ रही हैं। फिर काम ना होने की वजह से पैसे मांग रहे हैं। कौन मांग रहे हैं पैसे? नायब तहसीलदार। क्या नाम है उनका? नायब तहसीलदार सिंगला जी। फिर क्या करने आए हो आज तुम? सर ये भैंस देंगे उनके लिए। क्यों? पैसे नहीं। पैसे नहीं है तुम्हारे पास? तो बंटवारे के लिए कितने दिन से घुमा रहे हैं तुम्हें? सर 6-7 महीने हो गए। 7 महीने हो गए? किस किस का बंटवारा है? किस पिता पुत्र का बंटवारा है? कितने दिन हो गए? 25,000। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।